नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। इस वक्त एक बुरी खबर सासाराम से आ रही है, पूरे रोहतास जिले के लिए कोरोना को लेकर एक बुरी खबर है। जी हां, सासाराम के बारादरी मोहल्ले में एक 60 साल की महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि उसका पति पिछले कुछ दिनों से बाहर रहता था और वो वापस आया था, जिसके बाद उसकी जांच की गई और जांच के बाद ये पाया गया कि ये कोरोना पॉजिटिव है। इस मामले में 3 किलोमीटर के दायरे को सील करने का भी आदेश जारी होगा। और आपको बता दें कि अब रोहतास जिलावासियों को काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी। इस दौरान किन किन वस्तुओं को और किन किन लोगों से वो संपर्क में आई है, उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा और सारी जानकारी जुटाई जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने में लगी है प्रशासन कि आखिर ये मामला सामने आया कैसे। अब तक जिला रोहतास सुरक्षित था, कोई मामला नहीं था, लेकिन जैसे ही बिहार में 114 कोरोना पॉजिटिव मामला आया तो 114वां मामला सासाराम से आया है, जहां से ये 60 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसलिए विशेष रूप से आप सबों से निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह सड़कों पर तो बिल्कुल ना निकलें। और अब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।